नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि नवंबर मास सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि अभी तक किसी भाई बहन ने हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। तो दोस्तों, यदि आपको जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9599252139। लेकिन इसकी आपको उचित फीस भी जमा करनी होगी। यदि आपके रिश्तों में कहीं भी कोई अड़चन चल रही है, खटास चल रही है, लव लाइफ हो या फिर शादी, या फिर आपके साथ किसी ने कुछ करवा दिया है, आपके कार्य को बंधवा दिया है, या आपके साथ कोई भी गुप्त तांत्रिक विद्या चला रहा है, इन सभी के समाधान के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक पर कि सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए नवंबर मास कैसा रहने वाला है। नवंबर मास में सिंह राशि के जातक जातिकाओं का समय का होगा बदलाव, क्योंकि सिंह राशि के लिए बहुत ही समय कठिन गुजरा है और बहुत ही विपदाओं के सामने से गुजरते हुए आ रहे हैं। यानी कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो सिंह राशि के जातक जातिकाओं के साथ ना गुजरी हो। अब आप देख लीजिए कि आपके लिए जो ये पिछला महीना गया है अक्टूबर, उससे पहले गया है सितंबर, उससे पहले, यानी कुल मिला के आपके जीवन में कई वर्षों से बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है। लेकिन अक्टूबर मास आपके लिए बहुत ही संकट भरा रहा है। इसमें रोगों का, कलेशों का, काम धंधे को लेकर, प्यार शादी और पति पत्नी के रिश्तों को लेकर सभी में परेशानियों का सामना किया है आपने। पैसे की ओर से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, लेकिन आप चिंता ना करें, नवंबर मास आपके लिए कुछ खास लेकर आ रहा है। इसमें आपके सबसे पहले जो कारोबार में रुकावट आई है वो आपका चालू होगा। नौकरी के लिए भटक रही हैं वो भी आपको मिल सकती है, नए रोजगार को आप अंजाम दे सकते हैं। कहीं आपको अचानक जगह का बदलाव भी करना पड़ सकता है, आपका मन दुखी होगा, इसलिए आप दूसरी जगह जाना पसंद करोगे। प्रेम संबंधों को लेकर और पति पत्नी के रिश्तों को लेकर एवं घर पर जो घर परिवार के रिश्ते हैं उन सभी को लेकर आप थोड़े मानसिक तनाव में चल रहे हैं, इसलिए आपको इन संकटों से भी, इन दुखों से भी, इन गमों से भी आपको नवंबर मास में राहत मिलेगी और आपका मन खुश रहेगा। नई नई वस्तुओं की आप खरीदारी कर सकते हैं और आप किसी मंगल कार्य से जुड़ सकते हैं, यानी कि शादी हो, विवाह हो, या फिर किसी का जन्मदिन हो, या फिर आप कहीं भी किसी नए फैशन में जा सकते हैं। इसमें आपको किरदार निभाना पड़ सकता है, यानी कि जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो या कृषि भूमि काले पशुओं से आप जुड़े हुए हैं तो उनमें भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। यदि आप लॉटरी कमीशन सट्टा बाजारों से जुड़े हुए हैं या रोजमर्रा के कार्यों से जुड़े हैं, ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं तो उनमें भी आपको राहत मिलेगी और धन की अचानक वृद्धि होगी। दोस्तों, लेकिन आपको लापरवाही और अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो कमी है वो आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेते हो, क्रोध बहुत ज़्यादा करते हो और किसी से बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। इसी का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको धोखे का, विश्वासघात का और आगे से अपमान का सामना करना पड़ता है। यदि आप सिंह राशि के जातक जातिकाएं जितने भी हैं, यदि वो अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखें, क्रोध पर संयम बनाकर रखें, समय की पहचान करें, यानी समय को यूं ही बर्बाद ना करें तो ये बहुत आगे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत ही ऊंचे ऊंचे के सपने होते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि ये निडर होते हैं, दिलेर होते हैं और दयावान भी होते हैं, हंसमुख होते हैं और घूमने फिरने के सबसे ज्यादा शौकीन होते हैं। दोस्तों, आपको
यदि अपने रिश्ते मजबूत करने हैं तो आप शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान किया करें। सिंह राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, यदि इनके प्रेम संबंधों में, दम लाइफ में, या पति पत्नी के रिश्तों में, या कोई भी आपके अदर रिश्ते हैं, या आप स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, कुछ ना कुछ आपके शरीर में होता रहता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो इसके लिए आप शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ सफेद चीज़ों का दान जरूर करें। दोस्तों, यदि आपको मेरी ऑडियो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। इसी के साथ मैं पंडित राजगुरु शर्मा अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी करता है नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।